हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिका फूडी एंड क्रिएटिविटी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी ट्रिक से मसालेदार छोले। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 1 बाउल छोला लिया है, मींस चना लिया है। इसे मैंने रात को ओवरनाइट भिगो के रखा था और इसका सारा पानी ड्रेन करके अब मैं इसे कुकर में ऐड करती हूँ और इसमें मैं 2 ग्लास वाटर को ऐड करती हूँ। आप इस तरह से, और इस पे मैंने 2 तेजपत्ता डाल दिए और छोटा सा कलमी का टुकड़ा डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक डाला है और थोड़ा सा हल्दी। हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे फुल फ्लेम पे गैस पे रख देंगे। रख दिया है और इसे हमें 5 सीटी निकाल लेना है। अब चाहे तो 5 से ज़्यादा भी सीटी लगा सकते हैं। चेक करना है हमें कुकर होने के बाद। छोले की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है 10 लहसुन की कलियाँ ली है। ये नारियल है, आप सूखा भी नारियल ले सकते हैं, बट मेरे पास गीला नारियल अवेलेबल था इसलिए मैंने ये लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ती की डंटल लिए है। इसके बाद मैंने 2 चॉप किए हुए ओनियन लिए हैं, प्याज लिए हैं और थोड़े से स्लाइसेस में कट के अदरक का टुकड़ा लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना पत्ती ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव होते हैं। कढ़ाई और ऑयल दोनों को मैंने पहले ही प्याज को डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नारियल को ऐड करते हैं चॉप किए हुए। उसके बाद लहसुन को ऐड करते हैं और ये जाएगा इसमें अदरक के टुकड़े। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें खड़ा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं खड़ा मसाला यूज़ करना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि हम इसमें ऐड करने वाले हैं बाद में छोला मसाले। बट आप अगर छोला मसाला यूज़ नहीं करेंगे तो आप खड़ा मसाला का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 स्पून जीरा को ऐड करती हूँ। जीरा से थोड़ा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने इसमें धनिया पत्ती की डंठल भी ऐड कर ली थी और इसे हम 3-4 मिनट रोस्ट कर लेंगे। इसमें टमाटो को भी ऐड कर लेते हैं और 2-3 मिनट तक इसे भी रोस्ट होने देते हैं। हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह से। ये मिक्सचर को मिक्सर जार में लेके ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना पत्ती भी ऐड किया है, इससे थोड़ा टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है। और ऑयल दोनों को पहले से ही हीट होने के लिए मैंने रख दिया था और इस पर हमने पूरी जो ग्रेवी बनाई उस ग्रेवी को कढ़ाई में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे ऑयल चुपने तक अच्छे से पका देना है। ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें मसाले ऐड करने के इस प्रोसेस में जाएंगे। तो हम इसमें 1 स्पून चिली पाउडर को ऐड करते हैं। चिली पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे छोला मसाला या फिर सब्जी मसाले को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला का यूज़ किया है। 1 स्पून धनिया पाउडर को ऐड करना है। ध्यान रखिए, नमक हमने पहले भी छोले बॉईल करते समय डाला था, इसलिए हमें नमक बड़े सावधानी से डालना है। हम इसे अच्छे से हिला देंगे जिस तरह से, और इसे हम 5 मिनट्स के लिए ऑयल ऊपर आने तक भी आप इसे अच्छे से कुक्ड कर देंगे ताकि पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और फ्लेवर में बहुत ही अच्छी लगे। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से छूट चुका है और इस पर मैंने थोड़ा सा मिक्सर पॉट में जो मसाला था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करके 1/2 ग्लास वाटर डाल दिया था और इसे 5 मिनट्स के लिए होने दिया था। ऑयल अच्छे से तरी ऊपर आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये बॉयल किए हुए छोले। वाह, बॉयल किए हुए छोले अब हमने इसमें डाल दिए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। आपको अगर इतना ही गाढ़ा रखना है तो आप इसी तरह से 5 मिनट्स तक होने दीजिए ताकि छोले और ग्रेवी दोनों मिक्स होके अच्छे से टेस्ट आए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा छोले की ग्रेवी गाढ़ी हो गई है तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ 1/2 ग्लास बॉयल वाटर को ऐड करना है। तो छोले की ग्रेवी है और तरी कितनी अच्छी लग रही है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक ख़ास बात बताना चाहूँगी कि अगर आपके छोले बॉईल करते समय जो पानी अगर
बचा होगा तो उसे इस छोले में ऐड कर सकते हैं और 5 मिनट्स के लिए होने दे सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सर्विंग प्रोसेस की तरफ। छोले को गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ती ऊपर से डाल दिया है और यहाँ पे मैंने सर्कल चॉप किए हुए ओनियन है और नींबू लिया है। तो आप इसे गर्मा गर्म छोले और पूरी के साथ या फिर भटूरे के साथ सर्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको ये छोले ग्रेवी वाली पसंद आई होगी तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए और इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को वेव लाइव सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।